लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तेजी से बढ़ रहा है मॉनसून, 6 जून को इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। पुणे दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ भागों, बंगाल की खाड़ी, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं मेघालय के कुछ क्षेत्रों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अग्रसर होने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र और गोवा में 6 जून से बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 से 8 जून के बीच महाराष्ट्र और गोवा में बढ़ने की उम्मीद है। गांगेय पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में अगले पूर्वी नागालैंड के अलग अलग इलाकों, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल और लक्षद्वीप में इस दौरान भारी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान लू चलने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तमिलनाडु के कुछ अन्य इलाकों, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य, पूर्वी मध्य, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी, त्रिपुरा के कुछ अन्य इलाके, नागालैंड के शेष भाग, मणिपुर, मिजोरम, असम के कुछ इलाकों और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अग्रसर हुआ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर एवं दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, केरल एवं लक्षद्वीप में इस दौरान बारिश या गरज के साथ छींटे पड़े। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों, असम, मेघालय, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में भी बारिश या गरज के साथ छींटे पड़े। गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु में भी इस दौरान मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान मौसम शुष्क रहा। पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू का कहर रहा। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में दिन का तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं पहुंचा है। असम के कुछ इलाकों, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात क्षेत्र में तापमान सामान्य से अधिक रहा। अधिकतम तापमान 48.0 डिग्री फलोदी, पश्चिम राजस्थान के मैदानी इलाके में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। गांगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के शेष भागों में तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के साथ असम और मेघालय के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। देश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहा।